पंचतंत्र की कहानियां, गजराज और मूषक राज की कथा। एक बार की बात है, किसी नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ था। एक बार वहां बहुत बारिश हुई, जिससे नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। इससे शहर में पानी की कमी होने लगी, यहाँ तक कि लोगों के लिए पीने तक का पानी न रहा। धीरे धीरे लोग उस शहर को छोड़कर जाने लगे और एक वक्त आया जब पूरा शहर खाली हो गया और वहाँ सिर्फ चूहे ही रह गए। चूहों ने अपना राज्य बसा लिया। एक बार वहाँ की जमीन से पानी का एक सोत्र फूटा और वहां एक बड़ा तालाब बन गया। दूसरी ओर उस शहर से कुछ ही दूरी पर एक जंगल था, जहां कई जंगली जानवर रहते थे। उन जानवरों के साथ कई हाथी भी वहां रहते थे, जिनका राजा था गजराज नाम का हाथी। एक बार की बात है, वहां भयानक सूखा पड़ा। सभी जानवर पानी के लिए हाहाकार मचाने लगे। भारी भरकम हाथियों की भी बुरी हालत हो चुकी थी। हाथियों के बच्चे बिना पानी के परेशान होने लगे थे। इतने में गजराज का दोस्त चील वहां आया और उसने खबर दी कि खंडर बने शहर में एक पानी का तालाब है। यह सुनते ही हाथी अपने बच्चों और बाकी साथियों को लेकर शहर की तरफ चल पड़ा। कई हाथी उस ओर चल पड़े। रास्ते में चूहों का शहर भी पड़ा। उन विशाल हाथियों के पैरों तले कई चूहे दबकर मर गए। इतना ही नहीं, हाथी फिर उसी रास्ते से वापस आए और कई और चूहे फिर मर गए। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा और इस बात की खबर चूहे के राजा मूषक राज तक भी पहुंची तो इस बात को लेकर बहुत चिंतित हुए। उनके मंत्रियों ने मूषक राज को कहा, महाराज आपको जाके गजराज से इस बारे में बात करनी चाहिए। उनकी बात सुनकर मूषक राज गजराज के जंगल उससे बात करने गया। एक बड़े से पेड़ के नीचे गजराज खड़ा था। मूषक राज वहां सामने पड़े एक बड़े से पत्थर पर चढ़ गया और कहने लगा, गजराज को मेरा नमस्कार। मैं मूषक राज हूं। मैं उस खंडर बने शहर में अपनी प्रजा के साथ रहता हूं। हाथी को मूषक राज की बात ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी तो थोड़ा नीचे झुका और चूहे की तरफ अपने कान करते हुए बोला, हे नन्हे प्राणी, आप कुछ कह रहे थे, क्या आप फिर से कहेंगे? यह सुनकर मूषक राज ने फिर से अपनी बात दोहराई और बोला, मैं मूषक राज हूँ। मैं उस खंडर बने शहर में अपनी प्रजा के साथ रहता हूँ। आप और आपके अन्य हाथी जब भी तालाब की ओर जाते हैं तो कई चूहे उनके पैरों तले दबकर मर जाते हैं। कृपा करके ऐसा ना करें, वरना बहुत जल्द हम में से कोई नहीं बचेगा। यह सुनने के बाद गजराज दुखी होकर बोले, मुझे पता ही नहीं था कि हम इतना बुरा कर रहे हैं। हम तालाब तक जाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढेंगे। यह सुनते ही चूहा बहुत खुश हुआ और बोला, गजराज आपने मुझ जैसे छोटे प्राणी की बात सुनी, मैं आपका आभारी हूँ। भविष्य में कभी भी अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो तो जरूर याद कीजिएगा। गजराज ने मन में सोचा कि यह इतना छोटा सा जीव मेरे किस काम आएगा, इसीलिए उसने चूहे को मुस्कुरा कर विदा किया। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक बार पड़ोसी देश के राजा ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए हाथी रखने का फैसला किया। राजा के मंत्री और उनके सैनिक ने जंगल में कई हाथी पकड़े।
हाथियों के पकड़े जाने की चिंता गजराज को सताने लगी। एक रात गजराज इसी चिंता में जंगल में टहल रहा था कि अचानक उसका पैर सूखी पत्तियों पे छिपाए जाल पर पड़ा और जो जाल में फंस गया। हाथी जोर जोर से चिंघाड़ने लगा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। इसी बीच एक भैंस ने हाथी की आवाज सुनी। वो गजराज का बहुत आदर सम्मान करता था, क्योंकि एक बार गजराज ने भैंस को गड्ढे से निकालकर उसकी जान बचाई थी। गजराज को जाल में फंसा देख वो बहुत चिंतित हुआ और बोलने लगा, गजराज मैं आपकी मदद के लिए क्या करूं? आप अपनी जान देकर भी मैं आपकी मदद करूंगा। गजराज कहा, तुम जल्दी से जाकर उस खंडर शहर में रहने वाले मूषक को मेरी खबर दो। गजराज की बात सुनकर भैंस दौड़ता हुआ मूषक राज के पास गया और उसे सारा हाल बताया। मूषक राज ने जैसे ही यह बात सुनी तो वो अपने कई सैनिकों को लेकर भैंस की पीठ पर बैठ गया और गजराज के पास पहुंच गया। फिर चूहों ने मिलकर जाल को काटा और गजराज आजाद हो गए। इसके बाद गजराज ने मूषक राज को धन्यवाद कहा। सभी खुशी खुशी रहने लगे। गजराज और मूषक राज की दोस्ती भी गहरी हो गई। इस कहानी से यह सीख मिलती है, कोई भी प्राणी छोटा नहीं होता, जरूरत होती है तो बस प्यार और विश्वास की। आपसी प्यार हर तरह के दुखों को दूर कर सकता है।